थानू थानू इधर आओ, थानू इधर आओ जल्दी। सो गाइस, तो हमने बनाई आज एक स्पेशल सब्जी जिसमें घिया पीता वगैरह कट किया होगा, तो इसको मैंने उबालने के लिए रख लिया है। और बनाएंगे मम्मी, देखती हूँ क्या बनाती हैं कैसे। एक तरफ मैंने चाय रखा हुआ है, आटा लगा लो। सो गाइस, तो मम्मी ने ये घिया का बनाया था कोफ्ता, और कुछ अलग तरीके से हल्का सा उसे उबाल के और उसे पीस के तब उसे ऐसे पकौड़े टाइप बना के ग्रेवी बना के तब उसमें डाला था। उस टाइम बाबू को स्कूल लेके जाना था इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं वॉइस ओवर में सब बता दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सामने सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और सुबह मैंने सोचा था व्लॉग शूट करूँ बट नहीं कर पाई थी, बहुत जल्दी जल्दी में थी। धनु को स्कूल छोड़ना था, स्कूल गए हैं तो अभी आगे उनकी छुट्टी हो सकती है 2-4 दिन। और अभी मुझे जाना है अपने घर। मुझे पता है बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं और जो मुझे समझते हैं, उनके दिमाग में सवाल आते ही उसको साइड करेंगे और बोलेंगे कि नहीं, अगर दी गई हैं तो ज़रूर कुछ रीज़न है तभी गई हैं, ऐसे तो वो जा नहीं सकती। तो बस मैं अभी तक ऐसा हुआ है कि मेरे ऊपर जब भी कोई सवाल उठे हैं, जब भी कोई बातें बोली गई है, जिन लोगों ने पेशेंस रखा है उनको सही रिजल्ट मिला है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे गलत बोल के चले गए और बाद में फिर उन्हें लगा कि यार हम आपको गलत समझ रहे थे, ऐसा नहीं था। तो मैंने पहले भी बोला है और आज मेरा किसी का कॉमेंट भी आया था कि दी आप कभी भी ऐसा कुछ काम मत करना जिससे कोई हर्ट हो, कोई ऑडियंस को मतलब गलत इफेक्ट पड़े जैसे भी। तो मैंने ना कभी किया है ना करूँगी, जाने अनजाने में या कुछ गलत फहमी में कुछ ऐसा अगर आप लोगों को लगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। बाकी मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कभी भी मैं हर्ट ना करूँ किसी को। बाकी देखते हैं। और मेरे साथ देखो, मैं यहाँ पे ना बहुत देर से बैठी हूँ और पता नहीं आज जाना है और आज ऐसा हो गया, आज नहीं मुझे 2-3 दिन से हो गया। जब भी मुझे जाना होता है ना मुझे थोड़े ना अजीब सा हो जाता है। मुझे 2-3 दिन से तो पहले घुटन सा हो रहा था, मुझे पहले लगा मैंने वाइट वाला सूट जिस दिन पहना, इसका पूरा लिंक मांग रहे थे वो ऑफलाइन है, वो पहना था तो मुझे लगा शायद लाइनिंग वाला सूट है और गर्मी का टाइम है इसलिए ऐसा हो रहा नहीं। उसके बाद मैंने ब्लैक वाला पहना, बिल्कुल लाइट वेट कॉटन का, उसमें भी मुझे वही हो रहा था। फिर इसमें मतलब सांस से ऐसे लग रहा है कि सांस नहीं मतलब लेने में मुश्किल हो रहा है, ऐसे घुटन सा ऐसे कुछ लग रहा है। तो मतलब एसी वैसी जो है ना ज़्यादा वो करके रह रही हूँ, उसी में रह रही हूँ, मतलब कि थोड़ा अंदर से अच्छा अच्छा फील हो। बाकी ये तो मेरी पुरानी बीमारी है जो मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं किसी भी स्थिति में ही करती रहती हूँ ये करके आप लोगों के सामने आती हूँ। और आप लोगों का जो ये प्यार और सपोर्ट है ना वो मुझे मतलब मोटिवेट करता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है कि मैं खड़ी रहूँ किसी भी सिचुएशन में। सो अभी मुझे जाना है, अपने घर जाना है मायके फरीदाबाद, और धनु भी स्कूल से आते उसके बाद मैं निकलूँगी। इस वीक में मैंने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि एक भी छुट्टी ना हो, सैटरडे संडे तो वैसे ही ऑफ रहता है। सो मैं निकलूँगी और वो भी मैं मायके जाऊँगी, सिर्फ मायके नहीं रहूँगी, मुझे बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए मुझे 2-4 दिन आप लोग मुझे गलत बोलने से पहले आप लोग क्या पता बोल दे कुछ लोग कि भाई क्यों जा रहे हो इस टाइम, तो मुझे ज़रूर मतलब कि 2-4 दिन वेट कर लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए जो ज़रूरी होता है मैं उसी पर फोकस करती हूँ, चाहे वो मायका हो, ससुराल हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो, जो चीज़ें उस टाइम के लिए मुझे ज़रूरी लगता है मैं उस पर फोकस करती हूँ। मैंने वही सोचा और मैंने बहुत लेट किया है, इन्हीं सब की चीज़ों की वजह से मैं नहीं गई, बट अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एक दिन भी टाइम नहीं है कि मैं एक दिन भी और लेट करूँ। ये यहाँ तक मैं टाइम इसीलिए लेके आई कि मतलब जितना हो सकता है मैं यहाँ पर रहती हूँ, और अब मैं बहुत लेट करके जा रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, हर किसी की उम्मीदें हैं और जो लोग जिन लोगों की मुझसे दिल से उम्मीदें हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा तो करना बनता है, बाकी अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। तो ब्लॉग जो स्टार्ट करते हैं, पैकिंग भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है बट इससे पहले पैकिंग का ब्लॉग जा चुका होगा, तो करते हैं तैयारी करते हैं। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखते हैं अभी क्या करते हैं, क्या करूँगी रवीना अभी मैं बैठे तब आप जाओगे ना, पर मेरा मेकअप करने का मन नहीं है अभी तो कह रहे हैं मेकअप मतलब वही थोड़ा तैयार होना है, वो सामान रख रहे थे उसी को ना। और ऐसे फिर पता नहीं कि जब भी मुझे जाना होता मुझे लगता है ना कि रवीना का प्यार मुझे खींचता है, कहता है भाभी मत जाओ मत जाओ, और मैं कहती मैं जाऊँगी, दोनों में फंस जाती हूँ और ऐसी हालत हो जाती है। क्यों करती हो रवीना मुझे इतना प्यार? मैं कहाँ करती हूँ,
बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे। थोड़ा बहुत करती हूँ, इतना नहीं करती हूँ कि मैं आपको जाने ना दूँ, है ना। सही बात है, जबरदस्ती बुला लेते हैं। बोल जल्दी कि मैं से प्यार करे लूँ, जल्दी बोलो। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, देखो मैं कैसे लेके बैठी हूँ। देखिए गाइस मैं किस स्थिति में बैठी हूँ, दिख रहा है? ऐसे मैं बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है लोग मायके जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, है ना, हर लड़की होती है। और मेरी ये हालत देखो, मैं मायके जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे जबरदस्ती कोई ससुराल भेज रहा हूँ। क्या ही बोलूँ यार, पता नहीं क्या हो गया है। और ये साड़ी के लिए इतने वो हो रहे, तो मैंने जानबूझ के रख लिया कि ये दो साड़ी बहुत पहले से आई हुई है, तो इनको रख लेती हूँ ताकि कभी मौका मिले तो मैं पहन लूँगी। और एक पहनने के लिए निकाल ली हूँ कि हो जाएगा इनका उसी में काम। बाकी देखते हैं, सारा पूरा सूटकेस ऐसे खाली है, दिखा तो नहीं यहाँ का मेरा सामान? पता नहीं, है ना। तो ये पूरा सूटकेस देखो खाली है, और फिर मैंने वो कर लिया, वो भी इसमें आ जाता है। फिर मैंने सोचा चलो आराम से, ज़बरदस्ती नहीं दबाना पड़ेगा उसी में, ठीक है, चप्पल सैंडल सब आ जाएगा उसमें, इसलिए मैंने ऐसे इस तरीके से कर लिया। बट अब कोई रास्ता नहीं है, मैं जा रही हूँ कंघी करने, साड़ी पहनने, और बस मैं निकलूँगी, क्योंकि अब जितना लेट करूँगा उतना ही लेट होगा, है ना। सही बोला ना, तुम मुझको प्यार नहीं करती, है ना? करती नहीं, नहीं मैं जब अब मैं अब गर्दन पे चाकू रख रख के लोगों से बुलवाऊंगी कि मेरे लिए प्यार करो, चाकू प्यार है? करो चाकू भैया, चाकू रखे भैया, हाँ, तो यही होगा। देख लिया, रवि ने कैमरा ले रखे, भाग गए। एक्चुअली आपको पता है कि हमारा वो बन रहा है बेड वगैरह। अच्छा आप लोगों ने बहुत वही भैया थे, आप लोगों ने बहुत तारीफ, दरवाजा भी बहुत अच्छा लग रहा था, थैंक यू सो मच। सब कुछ ऐसे आप लोग को अच्छा लगे, एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे तो, एंड बने रहिए व्लॉग में। अब मैं आऊँगी वहाँ से, तो सारी चीज़ आप लोगों को दिखाऊँगी जो चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, एंड सरप्राइज, ठीक है। सरप्राइज क्या है, आगे आगे धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। एंड आप लोगों को मेरा व्लॉग देखना अच्छा लगता है, ठीक है, गंभीरता से प्यार से, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मैं उसमें कुछ करूँ ना ऐसे एडिशनल, तो उससे आप लोगों को ज़्यादा खुशी होगी, तो वो मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, कि अगर मैं बैक कैमरा में हंसती हूँ या हंसाती हूँ तो ऐसे भी कर सकूँ। और दूसरी बात कि मैं मायके में जाऊँगी तो भगवान करे मेरी थोड़ी सी हालत ये जो है तबीयत जैसे लग रही है, ये इससे ठीक हो और मैं एक्साइटेड आप लोगों को दिखूँ और अपना एक्साइटमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, तो प्लीज़ ओवर एक्टिंग वाला कमेंट मत करना। मैं अभी थोड़ा सा चाहती हूँ मैं खुश हूँ, हंसूँ, बस आप लोग बस बोलते रहना, हाँ दी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं और खुश हो जाऊँगी, मैं और अच्छा अच्छा फील करने लग जाऊँगी, ठीक है। तो अब मैं बोलती हूँ मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छा फील, क्योंकि मैंने ये महसूस किया, जब मैं कहती हूँ मैं लो फील कर रही हूँ तो मैं और लो फील करती हूँ, जब मैं कहती हूँ मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ, तो एनर्जी आ जाती है। तो चलो तैयार हो जाते हैं, मिशन है मायका। सो गाइस तो यहाँ पे रवीना बैठी है, बहुत मेहनत किया है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मिलता है। तो मैं अपना एक घड़ी ढूंढ रही हूँ, मेरा घड़ी मुझे मिला भी नहीं। देखो पता, मैं तो चली जाऊँगी तो बाद क्या करोगे ढूंढ के, तो इसमें सब तक मुझे मिल गया ये, मैंने बोला फिर ये रवीना के हक का है, हिस्से का है, तो ये रवीना रख ले, तो इसको खोलेगी अभी रवीना, और इसमें से निकला थोड़ा, मुझे भी देना यार, सब अकेले अकेले रख लेते हो तुम लोग। ये आपका ये मुझे कभी कोई खोइचा दिया है, इसमें पैसे हैं, तो ये अब होगा रवीना के, धनवी अभी होती तो उसका हो जाता है, ठीक है। वो चली गई नीचे, मिल गया रवीना को, वाह वाह, चलो खुश हो जाओ इसी बात पे, एक स्माइल दे दो। सो गाइज तो मैंने ये ग्रीन कलर वाली साड़ी निकाली, और सही बता रही हूँ, मुझे ये ऊपर से इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, जितना खोलने के बाद मुझे पता चला इसका फैब्रिक भी अच्छा है। इन सबको डिटेल आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, वहाँ मैं रील वगैरह शेयर कर दूँगी, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। और बाकी मैं तो मतलब मन तो नहीं हो रहा था, बट हल्का सा बस ये मेरे पास बेस था ना, उसको हल्का सा ऐसे लगा लिया, बस हो गया मेरा मेकअप कम्प्लीट और डन। मतलब हाँ बिल्कुल फेस से ही ऐसा आपको लग रहा, मैंने बालों में शैम्पू भी नहीं किया है, और बस अपना जो बाल है ऐसे छोटी बनाऊँगी, निकल लूँगी, फेस क्लीन लगता है ना, अभी तो वो भी काम नहीं हुआ है। लोगों ने मुझे एडवाइस दिया था, मैंने भी सोचा था आके मैं डी टैनिंग करवाऊँगी, थोड़ा मसाज वगैरह फेसल वगैरह लेंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे, घंटा रिलैक्स होंगे। ये मेरी आँखें दोनों इतनी ज़्यादा सूज गई है, लग रही है इस दोनों सूजी सूजी से, है ना? नहीं तुमको नहीं लग रहा? मुझे लग रहा है, मैं वीडियो में भी देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सूजी आ रही है। ओके तो आप लगा लेंगे थोड़ा लिपस्टिक, थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा कर सेट कर ले, पसीने आएंगे ना। चलो
आप लोग का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ, आप लोगों को भी था कि आप लोग मेरे मायके का ब्लॉग देखोगे। देखो एक दो दिन मायके का ब्लॉग है ना, ट्रैफिक लग जाएगा। हम आए मंदिर में, हम कहीं भी जाने से पहले आते हैं भगवान जी से आशीर्वाद लेने के लिए, तो यहाँ आशीर्वाद लेने आए थे। जो मम्मी दे रही हैं धनु को, ऐसे आशीर्वाद दिला रही हैं और मैंने चोटी की है, कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और बस ब्लॉग में बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। बस आप लोग साथ और प्यार की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर माता रानी से आशीर्वाद ले रही हूँ, बस वही चीज़ें आप लोगों से भी चाहिए। फिर हम सारा सामान लेके नीचे आ गए और अब मम्मी खोइंचा देंगी, और ये खोइंचा जो होता है लेके जाते हैं ससुराल से चावल, और मायके से जो होता है जीरा लेकर आते हैं। तो ये बहुत सारा मम्मी ने चावल ले रखा है, तो यहाँ पे मम्मी मुझे पहले खोइंचा देंगी तब मैं निकलूँगी। धनु आ जा बाबू, इधर आ धनु, धनवी सोई हुई है और मुझे पता है जब वो उठेगी तो अपने भैया को ज़रूर ढूंढेगी। और अच्छा है अगर जगी रहती तो फिर वो मायूस हो जाती, रोती, सैड हो जाती, मम्मा मुझे भी जाना है। पहले से ही बोल रही थी मम्मा आपके साथ जाना है, घूमने जाना, क्योंकि इससे पहले भी मैं गई हुई थी ना तो वीडियो कॉल पर देख के बहुत वो हो रही थी कि मम्मा मुझे भी आपके पास आना है, पापा आ जाओ मुझे अपने साथ लेके जाओ, तो ये सारी चीज़ें कर रही थी। मैंने चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मन उदास हुआ नहीं मिल पाई, बट कोई नहीं। देखो आपका चार्जर ले, छुपो नहीं, बाबा से मिल लिए। धनु जाओ नमस्ते कर, बाबू को नमस्ते कर, क्यों धनु ऐसे नहीं कर, बाबू को नमस्ते कर। अरे वो नहीं है, भला नहीं है, मम्मी खा देखो ऐसी दिक्कत है ना, हल्का धनु आ जाओ। धनु जाते टाइम रोती ना, सोई हुई है। धनु धनु इधर आओ, ये बैग भी है ना, धनु इधर आओ जल्दी आओ धनु, हाँ ये बैग भी है। धनु धनु दादी को नमस्ते बोलो, बोलो जल्दी, पैर छू के पैर छू के, चलो मासी को मिलके, मासी को मिलके जल्दी जाओ जाओ, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बहुत अपने दीदी कोई बात से बात बोल मिलो आज भी सर सामने किसी रखे भी होकर आके आओ धनु आ जाओ चलो सही, जितने बड़ा हो रहा उतने वो हो रहा नहीं जाना है, यहीं रह जाना, नहीं जाना, नहीं जाना उसको, सोते तो दादी के पास ही यहीं रहो, सही में नहीं जाएगा वो। आ जाओ। जाओ जाओ। बोल दो बाय बाय वाणी दीदी, बाय धनु। ये क्या चिढ़ा रहे हो दादी को, हैं क्या दादी को चिढ़ा रहे हो, दादी को चिढ़ा रहे हो। हाँ भैया चलिए ठीक है मम्मी, ठीक है बाय, धनी उठेगी तो ढूंढेगी। ये लेफ्ट वाला है ना भैया,
ये रॉन्ग साइड दिखा रहा है, हाँ, दिखा रहा है। यही है रास्ता वैसे तो, मतलब रास्ता ये दिखा रहा है ना ये वाला। धनु इधर आता, कितना पसीना हुआ है आपको ये देख के? तब चलना है, वैसे मैं लेट हूँ। दादी क्या बोलूँगी, मेरी बहुत ही कितनी पसीना दिलवा दिया। कुछ हो रहा है आपको, ठीक हो? एक्चुअली इस गाड़ी में बैठने में बहुत मन खराब हुआ, वो वाला सीधा कर लो उधर चलेगा, तो इसलिए एसी बंद करवा दिया हमने। ये भी लग रहा गलत ही आ गया है ना, ये गलत आ गए हैं भैया। वापस यू टर्न लोगे? तो एक ही बार में तो हम वो डालते हैं, लोकेशन चला जाता है, फिर पता नहीं क्यों सारी दिक्कत है। बाबू ये देखो कौन है, ए धनु ये देखो तो सही। अच्छा मैचिंग मैचिंग पहन लिए दोनों जने, जा 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 ये पकड़ कर धनु, मैचिंग मैचिंग पहन लिए, ये तो देखो तो सही। ये देखो ये देखो ये देखो ब्लू, अरे गाड़ी तो जाने दो, आपको उतरो, अब गाड़ी लेके जाना है, आओ जल्दी भैया को छोड़ दो गाड़ी में, छोड़ दे गाड़ी में। अरे टकली हो गई बाल, नहीं आया अभी, नहीं आया, दोबारा हो गई है ना। अच्छा उस टाइम हुई थी, उसके बाद फिर हो गई, इसीलिए मैं कह रही हूँ इतने दिनों बाद अभी इतनी भी बाल नहीं है, एक बार तो पहले हुई थी, एक बार तो छोटा है ना, तो वो तो पता है। अच्छा उसको तकली होगी, भैया को उठाने दो, बाबू इधर आने बेटा, अंदर चल के सो आओ, कोई भी नहीं है ना, नानू है ना मामू, वो इधर कौन लेके जाएगा आपको, इधर आओ तो सही, पकड़ना पड़ेगा इसको, लेके आओ। अरे अब हाँ लूँगी मैं, आपको लूँगी, जा नहीं रही हूँ, लूँगी। कौन है बाबू, ये कौन है, क्या बोलती है? धनु सो गए थे इसलिए रो रहे थे, वो गाड़ी में ही सो गए थे, और पापा वगैरह तो कोई था नहीं, उसको खुद उठा के लेके जाए। बाकी और सारी चीज़ जो है आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट व्लॉग नोटिफिकेशन मिल जाए। वो बहुत स्पेशल व्लॉग है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।